हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। तो आज मैं पहुंच चुकी हूं बद्रीनाथ विशाल मंदिर चौक। यह स्थान बहुत ही शांतिपूर्ण है। मुख्यतः मुंबई पुणे हाईवे पर स्थित है। हाईवे से ही भगवान शिव की करीब 25 फुट ऊंची प्रतिमा के दर्शन होते हैं। यहां पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है। पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है। बरसात के दिनों में हरियाली और वातावरण खूबसूरत रहता है और चार चांद लगा देती है। भगवान शिव की प्रतिमा सभी आने जाने वालों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़ी है। आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आज मैं एक फिर नए मंदिर आ गई हूँ। क्यों आई हूँ? क्योंकि आज सावन का सोमवार है, आज मंडे है, आज पहला सोमवार है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मंदिर नहीं जाएंगे। तो सुबह मैं उठ गई हूँ मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग होने के बाद मैंने घर का पूरा काम किया। काम करने के बाद फिर मैं मंदिर में आ गई, तो तैयार तो ऐसे हो गए थे जैसे बारिश हो गई ही नहीं, बारिश आने वाली नहीं थी। फिर भी बीच रास्ते में पहुँचे तो बारिश आ गई। ये देखिए, यहाँ पर मैंने रेनकोट भी डाल के रखा है, रेनकोट पहना है और पूरा सर, पूरा बाल, पूरे कपड़े मेरे गीले हो गए। फिर भी अभी रेनकोट मैंने नहीं उतारा क्योंकि न जाने कब बारिश आ जाएगी। मैं यहीं पर खड़ी हूँ, दर्शन अच्छे से मेरे हो गए। और ये बगल में कितने बड़े वाले शंकर भगवान यहाँ पर भोले बाबा खड़े हुए, बाबा जी, और ये भोले बाबा यहाँ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पर। बद्रीनाथ धाम का मंदिर जो है छोटा बनाया गया है, मिनी बद्रीनाथ धाम है ये। और ये मंदिर बहुत ही बड़े दायरे में बनाया गया, बहुत ही बड़ा है। और मैं लॉकडाउन के टाइम पर यहाँ पर आई हूँ। मैं पिछली वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ यहाँ की वीडियो पर। अभी इस बार क्या है कि अभी आई हूँ तो पूरा मंदिर यहाँ से पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा मंदिर यहाँ खुला है। अभी तक ये मंदिर खुला नहीं था, ये मंदिर बंद था। तो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों से शेयर करी, पर बाहर से शेयर करी थी, कर चुकी हूँ मैं। अंदर का कुछ मैंने दिखाया नहीं क्योंकि अंदर बद्रीनाथ धाम का जो मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई उसको भी मैंने आप लोगों से नहीं दिखा पाए थे। इस बार मैं वीडियो बना ली हूँ, आप वीडियो शूट कर ली, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। ये आज मंडे है, सावन का पहला सोमवार है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। दर्शन मेरे हो गए, पूजा मेरी हो गई है, तो मैंने फिर कहा चलो यहाँ थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए भी शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। आप लोग भी दर्शन करिए प्लीज़। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगती है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि कौन सी वीडियो अच्छी है, कौन सी वीडियो नहीं अच्छी, मेरी वीडियो में क्या कमी है। चलिए अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, यहाँ से सीधे स्ट्रेट ये जो रास्ता जाता है, ये सीढ़ी के द्वारा आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ सारे भगवान की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं और ये पूरा देखिए सामने एकदम सुरंग के जैसे गुफा रहता है बद्रीनाथ में। सीधे आप जाके बाबा के दर्शन मिल जाएगा। यहाँ पर पहुँचने पर अपने आप ही आध्यात्मिकता का एहसास होने लगता है।